पहले की संभाले नहीं संभल रही है आज खुशी। आज खुशी ने जो हंसी खुशी कह दिया जॉली से आई लव यू। अब भगवान के दरबार में कोई आए और खाली हाथ लौट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है भला। जी हाँ, जंगल में भटकते भटकते जॉली और खुशी को मिल गए भगवान भोलेनाथ के भक्तों की टोली, जिसमें शामिल होकर आ पहुँचे ये भी शिव मंदिर में। बोलो हरे महादेव, हरे महादेव, हरे महादेव। जहाँ पंडित ने बताया कि क्यों है ये दिन खास, क्योंकि इसी दिन शिव पार्वती कई सालों तक बिछड़ने के बाद मिले थे। इस पूजा का विशेष महत्व ये है क्योंकि मान्यता यही है, माता पार्वती और शंकर जी हजारों साल तक अलग रहने के बाद आज ही के दिन मिले थे। बस फिर क्या, जॉली ने भी मांगी भगवान से दुआ कि मिल जाए उसे भी उसका प्यार। तभी तो भक्तों की भक्ति में लीन हुए जॉली भी। फिर रात भर भगवान के पंडाल में रात गुजारने के बाद रंग लाई जॉली की भक्ति, जहां जॉली ने खुशी को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करने की कह दी बात भी। आई लव यू नहीं बोल पा रही हो ना, शर्म आ रही है तुम्हें, मत बोलो। एक काम करो जी, मेरे गले लगा, मैं समझ जाऊंगा तुमने मुझे आई लव यू। हाँ, ये तरीका सही है दीदी। अब भगवान के दरबार में झूठ कैसे बोलती खुशी, लगा लिया उसने फिर जॉली को गले से। और इसके बाद जॉली की खुशी का नहीं रहा कोई ठिकाना, जिसने सीना ठोक के सुनाया फिर अपने दिल का फसाना। अरे खुशी ने क्या कहा सुना, I love you। अरे मेरी खुशी भी मुझसे प्यार करती है। I love you, call, मेरी खुशी। वेल, भगवान भोलेनाथ ने तो सुन ली जॉली आपकी बात, जो मिल गई आपको आपकी खुशी। लेकिन दुनिया वाले और खास कर समीर को कैसे समझा पाएंगे आप कि खुशी बनना चाहती है अब आपकी दुल्हन फिर एक बार।